करिए, केटीआर को ट्वीट करिए, महमूद अली को ट्वीट करिए, असदुद्दीन ओवैसी को ट्वीट करिए, सब को ट्वीट करिए और पूछिए ये मस्जिद वहीं पे बन रही है क्या? अगर बन रही है तो वहां पे लेके जाके इंस्पेक्शन कराइए। आगाज करें इनके साइन कैंपेन, तो मैं नौजवानों से ये बोलूंगा कि ये लोग को जितना मिल्लत का दर्द है हमको भी उतना ही रहना चाहिए और नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर आज अगर हम इसके आगे नहीं आएंगे तो कल हमको बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी और माहौल भी वैसे ही बनते जा रहा है। हम जितने भी सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करते हैं वो सब लोग उसको स्कैन कर लिए, हम जो थे पेज पे भी स्कैन हो जाएगा, मेरे पेज पे भी स्कैन होगा, हमारे JSC के भी पेज पे स्कैन होगा। आप लोग इसका प्रिंटआउट निकाल के, इसका प्रिंटआउट निकाल के भी आप लोग अपने सिग्नेचर्स करके या मुश्ताक मलिक साहब के ऑफिस पे सबमिट कर सकते हैं या हमारे कोई भी JSC के रूम को फोन करें तो हम आके आपके पास से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम आपके घर तक आए। और मैं तमाम मसाजिदों के इमामों को, मौजनों को भी ये बात बोलूंगा कि अल्लाह के घर का मामला है, किसी का नहीं है, ये आपके जमीर को जगाइए, जगा के ये सिग्नेचर कैंपेन, ये हमारा जमहूरी हक है। हम सिग्नेचर कैंपेन इसीलिए कर रहे हैं कि हम बेहद नाराज है कि हमारी मसाजिदों को मनसूबा पर शहीद कर दिया गया है। आप मसाजिद अगर वहां से हटा के देते हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा। जहां पे हमारी मसाजिद थी क्या वहां पे सीढ़ियां बनेंगे या वहां पे गुसल खाना बनेगा या तहारत खाना बनेगा हमको नहीं मालूम है प्लान के मुताबिक, या चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट बनेगा। लिहाजा ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। मस्जिद जब एक बार मस्जिद होती है तो वो जन्नत में भी वही दुआ जाता है मस्जिद का और वो गवाही देती है वहां पे आके कौन कौन सजदा करे थे, कौन कौन अल्लाह को याद करे थे। लिहाजा नौजवानों से अपील कर रहा हूं, बार बार नौजवानों से अपील इसीलिए कर रहा हूं, जब हम इस मस्जिद के बारे में लोगों को बोलने जा रहे हैं तो हमको सवाल कर रहे हैं, अरे भाई कहां की मस्जिद, किधर सेकंड गेट में, ऐसा हो दिए क्या भाई? जब हम अपने मसाजिदों से वाकिफ नहीं रहेंगे तो फिर कैसा होगा? और ये वो चीफ मिनिस्टर है जो हर वक्त हमको वादा करे, कभी हज हाउस बना के देते हुए वादा करे, कभी सिवागरी बना के देते हुए वादा करे, कभी 12% रिजर्वेशन के लिए वादा करे, कभी वक्त जुडिशियल पावर बन के वादा करे, कभी माइनॉरिटी लोन बन के वादा करे, कभी कई चीजों के वादे करे, तो ये वादों पे कभी भी पूरा नहीं उतरे। और दूसरी चीज, इनकी रियासत में, इनकी रियासत में 4 मसाजिद में 2 आशुरखाने शहीद हुए जो अब तक ना रीस्टोर हुए, ना अब तक इसकी कोई माफी तलाश की हुई, ना अब तक वहां पे लेके जाके कोई इंस्पेक्शन गए। जहां पे सेक्रेटरी बन रहा है, मैं आपको वाजे कर दूं, जहां पे सेक्रेटरी बन रहा है वो सेक्रेटरी की जमीन है, जहां पे मसाजिद है वो वक्त की जमीन है। वक्त की जमीन पे के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना गवर्नमेंट नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकती, अगर कंस्ट्रक्शन भी करेंगी तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। पब्लिक को भी मैं वादे कर दे रहा हूं, मस्जिद वक्फ की है, वक्फ भी इस पे एक्शन लेना। आप सलीम साहब, आप भी सवाल करिए वक्फ से, आप चीफ मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप जवाब दीजिए, वक्फ की जमीन, वक्फ जमीन, वक्फ जमीन पे कैसा सेक्रेटरीट कंस्ट्रक्ट होता? एक बार जो जमीन वक्फ हो जाती है ता कयामत वक्फ होती है। और आप अगर जैसा दूसरी मस्जिदों को आलीशान बना के देंगे तो वो अलादा मस्जिद होगी, जैसा हमारे मुफ्ती साहब बोले कि वो मस्जिद अलादा मस्जिद होगी, वो मस्जिद हाशमी या मस्जिद दख्तियार नहीं होगी। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद थे, हम मस्जिद में मसाजिदों के बारे में बात करेंगे। तो आवाम से मेरी गुजारिश है, जुम्मा आ रहा है, ये कैंपेन शुरू करिए, हम भी हर एक के पास ये देंगे, जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते वो हमारे पेज से स्कैन कर लीजिए, हम इसको स्कैन करके रख देंगे और आप लोग सबमिट करिए। हमारे से अगर कोई नहीं भी मिलना चाह रहा है, खामोशी में आपका फोन नंबर इस पे कुछ नहीं है, सीरियल नंबर है, नाम है, लोकेलिटी है, आपका जो भी एरिया है, आगापुरा, नामपल्ली, मल्लापल्ली, जो भी आपका एरिया है, चादरघाट, मलकपेट, वो लिखिए, आपका सेल नंबर, आपकी सिग्नेचर, ये सिग्नेचर कयामत में आपकी गवाही देंगी कि अल्लाह सुभान व तआला के घर के लिए आप आवाज दिए और आप आके खड़े, वरना आप रुस्वा हो जाएंगे और आप मुदाखम में आएंगे। आज ये जो मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ अल्लाह के घर के लिए बैठे हुए हैं। आज सिर्फ मस्जिद शहीद हुई तेलंगाना में, सिर्फ इतने लोगों को जज्बा नहीं, दूसरे घरों में बैठ के भी देख रहे हैं, कई लोग मजबूर है, कई अपने कारोबार की वजह से नहीं आ रहे, कई अपने सियासी करियर की वजह से नहीं आ रहे, कई कोई चीज के लिए नहीं आ रहे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ख्वाब के लिए उतना एक होना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है।
तो मैं आप तमाम से अपील करूंगा, हमारे से जितनी कोशिश हुई हम बिल्कुल करेंगे, और 1 मिलियन कोई अहमियत नहीं रखते। अगर हम अपने मोहल्लों में अपने घरों में अगर सिग्नेचर्स ले लेंगे तो ये 10 मिलियन में हो सकते। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इसमें हिस्सा लीजिए, और नौजवानों आप लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे केसीआर को ट्वीट करिए, केटीआर को ट्वीट करिए, महमूद अली को ट्वीट करिए, असदुद्दीन ओवैसी को ट्वीट करिए, सब को ट्वीट करिए, और पूछिए मस्जिद वहीं पे बन रही है क्या। अगर बन रही है तो वहां पे लेके जाके इंस्पेक्शन कराइए, और हम गूगल मैप से मस्जिदों के लोकेशन फाइंड आउट करे हुए हैं। आप हमको वहां पे लेके जाके या किसी को भी सहाफियों को लेके जाइए, आप सहाफियों को ऐसा लेके गए बकरीद में, बकरे तो भी सही तरीके से डाल के लेके आते। एक शहर का बड़ा सहाफी हाफते हाफते वहां पे 5 मिनट का इंटरव्यू दिया, तो लिहाजा ये नाइंसाफी हो रही है, और तमाम कौम को एक होने की जरूरत है। आशुरखाने टूट रहे हैं, मसाजिद टूट रही है, आपको हर चीज का झूठा वादा कराया जा रहा है। अगर अपने खड़ेंगे तो बाहर बाद में रोड पे आना पड़ेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।